इस अचार के मसाले से आप सभी तरह के नमकीन खट्टे अचार फटाफट बना सकते हैं। अचार के अलावा आप इस मसाले को अचारी सब्जियां बनाने में भी यूज कर सकते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं होममेड अचार मसाला। तो चलिए शुरू करते हैं मसाले को बनाना। गैस जलाएंगे, एक पैन लेंगे, गैस को हम सिम पे रखेंगे और पैन को थोड़ा गर्म होने देंगे। ये हमने कुछ खड़े मसाले लिए हैं, पहले इन्हें हम ड्राई रोस्ट करेंगे और बाद में इन्हें दरदरा ग्राइंड करेंगे। ये हमने 10 टेबलस्पून राई ली है, ये डाल देंगे पैन में। साथ में ये 10 टेबलस्पून सौंफ ली है, 8 टीस्पून जीरा, 4 टीस्पून मेथी दाना। इन सब को बिल्कुल धीमी आंच पे ड्राई रोस्ट करेंगे और इन्हें तब तक ड्राई रोस्ट करना है जब तक इनकी खुशबू ना आने शुरू हो जाए और ये हल्का ब्राउन ना हो जाए। कड़छी लगातार चलाते रहना है ताकि मसाले नीचे से जले नहीं। मसाले को हम ड्राई रोस्ट इसलिए करते हैं ताकि इसमें जो मॉइस्चर होता है वो निकल जाए और हमारा मसाला ज्यादा देर टिके। और मसालों को ड्राई रोस्ट करने से अचार का टेस्ट भी बढ़ जाता है। अब हमारा मसाला ड्राई रोस्ट हो गया है, मसालों में से खुशबू आनी शुरू हो गई है। हमने इसे 9-10 मिनट तक ड्राई रोस्ट किया है। अब गैस को बंद कर देंगे और इसे एक प्लेट में ट्रांसफर करेंगे और ठंडा होने के लिए रखेंगे। जब ये ठंडे हो जाएंगे तो इन्हें दरदरा ग्राइंड कर लेंगे। इन्हें बहुत ज्यादा ब्राउन नहीं करना, नहीं तो ये कड़वे हो जाएंगे। बस ऐसे ही इन्हें ड्राई रोस्ट करना है। ड्राई रोस्ट किए हुए खड़े मसालों को हमने दरदरा ग्राइंड कर लिया है। ये देखिए, इन्हें बिल्कुल बारीक नहीं हमने ग्राइंड किया, ऐसे इन्हें दरदरा ग्राइंड करना है। अब इन्हें एक बड़े बोल में डालेंगे और साथ में कुछ और सूखे मसाले हैं वो भी ऐड करेंगे। देगी लाल मिर्च, ये 2 टेबलस्पून, इसे भी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कम या ज्यादा, मैंने अपने हिसाब से डाली है। 4 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, इससे अचार का कलर बहुत अच्छा आता है। हल्दी 4 टीस्पून, हींग 1 टीस्पून, नमक स्वाद अनुसार या 6 टेबलस्पून, ये भी मैंने अपने हिसाब से डाला है। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमारा होममेड अचार मसाला तैयार है। अब इसे हम एयरटाइट कांच की बोतल में भर के स्टोर कर लेंगे। ये मसाला 6-7 महीने तक खराब नहीं होगा। अब मैं आपको इस मसाले से 250 से 300 ग्राम अचार डालने का तरीका बताती हूँ। जैसे आपने कोई 250 या 300 ग्राम कोई भी सब्जी ले, जिसका भी आपने अचार डालना है, उसमें ये 5 टेबलस्पून इस मसाले के डालिए और ऊपर से सरसों का तेल डालिए, तो बस आप उन्हें अच्छे से मिक्स कर दीजिए, आपका अचार तैयार है। मिक्स करने के बाद अगर आपको लगे उसमें नमक या मिर्च कम लगे तो आप उसमें अपने हिसाब से और ऐड कर सकते हैं, या अगर ज्यादा लगे तो उसमें थोड़ी सब्जी और मिक्स कर सकते हैं। ये मैंने अपने हिसाब से मसाले डाले हैं। आप फटाफट अचार, किसी भी तरह का अचार आप बना सकते हैं। तो आप इस मसाले को जरूर ट्राई कीजिए और हमें अपना फीडबैक दीजिए और हमें बताइए कि आपको ये हमारी रेसिपी कैसी लगी। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।